जैसे कि यहाँ पर निर्मल ग्राम पंचायत का आपके जो गांव है उसको अवार्ड मिला है, तो इसमें यानी कि आपका क्या योगदान है? हमारे गांव में हर एक घर में सारे घर में टॉयलेट्स मिलेंगे, मतलब बनाए गए हैं, और उसकी सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि उससे जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो कम हो सके। और हर लोग टॉयलेट्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर घर में आपको टॉयलेट्स मिलेंगे। किसी ग्राम को बनाने के लिए महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। कुछ और महिलाएं भी हमारे बीच में हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या योगदान है। हर घर के सामने कूड़ादान बने हैं, तो जितना भी कूड़ा करकट होता है हम सब लोग उसी में डालते हैं। दो तीन महिलाएं ऐसे मतलब महीने में एक बार ही गांव में चक्कर लगाते हैं कि जो बाहर का ये लिफाफे वगैरह फेंकते हैं उनको बोला जाता है कि भी सब इकट्ठा करके गांव उसमें कूड़ादान में फेंका जाए, तो सारे लोग उस बात का अमन करते हैं और इसलिए हमारा गाँव स्वच्छ। तो ये थे जो गांव के लोग। अब हम प्रधान जी से बात करते हैं, जो इस पंचायत के प्रधान हैं, कि उनको क्या खुशी मिल रही है इस जो अवार्ड को लेकर। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पंचायत का ही सहयोग नहीं है, इसमें पूरे पंचायत के लोगों का भी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एक योगदान है, क्योंकि हर लोग इस काम में पंचायत के साथ है और बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, सफाई अभियान में लेते हैं और मतलब कि स्वच्छ रखने में पूरा योगदान पंचायत को मिलता है। खंड स्तर पर तो इस जो ग्राम पंचायत है उसको अवार्ड मिल चुका है, लेकिन आगे क्या लक्ष्य है? हम उप प्रधान जी से यहाँ पर पता करते हैं कि उनका आगे क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हमारा आगे का लक्ष्य ये होगा कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य स्तर पर जो है इस पंचायत को स्वच्छ बनाने में कामयाब होंगे। अगर हिमाचल में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं अगर साफ हो जाए तो हिमाचल फिर से एक देवभूमि हिमाचल बन जाएगा। कीर्ति कौशल, जी हिमाचल, सोलन।